बेपिए ही शराब से नफरत ये जहालत नहीं तो फिर क्या है। साहिर लुधियानवी का ये शेर हो या फिर अब्दुल हमीद अदम का मशहूर शेर साकी शराब ला कि तबीयत उदास है, या फिर जगजीत सिंह की गाई गजल या खयाम की रुबाइयाँ, सबका सार यही है, शराब पी नहीं तो जिंदगी जी नहीं। शायद इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब भारत में पी जाती है। वैसे भारत में कई तरह की शराब पी जाती है, लेकिन यहाँ स्कॉटलैंड की स्कॉच विस्की की भी ज़बरदस्त डिमांड रहती है। लेकिन इसकी बोतल के ऊपर प्राइस टैग को देखकर कई बार लोगों को इससे बिना चाहे भी दूरी बनानी पड़ती है। लेकिन अगर भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाता तो शायद भारत में स्कॉच काफ़ी सस्ती मिलने लगती। जाहिर है कि इससे भारत में स्कॉच के शौकीन लोगों के साथ ब्रिटेन को भी फायदा होता। लेकिन सिर्फ स्कॉच की बात नहीं है, भारत काफ़ी समय से ब्रिटेन के साथ बिजनेस बढ़ाना चाहता है, फिर चाहे ब्रिटेन को कपड़ा बेचने की बात हो या फिर खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, तंबाकू, लेदर का सामान और चावल और दूसरे कृषि उत्पाद। भारत चाहता है कि इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सपोर्ट ब्रिटेन को कर सके। इसके अलावा भारत की ये भी चाहत है कि ज़्यादातर भारतीय छात्र ब्रिटेन में पढ़ने जा सकें, वहाँ जॉब कर सकें और लंबी अवधि तक वहाँ रुक सकें। ये सभी चीज़ें तभी मुमकिन हो पाती जब भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो पाता। अक्टूबर 2022 में जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो उस समय ये कहा जा रहा था कि ब्रिटेन के साथ इसे लेकर कुछ बात ज़रूर बनेगी। कई दौर की बातचीत चलने के बाद अब लग रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल फिलहाल तो लटकता ही दिख रहा है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि FTA क्या होता है, ब्रिटेन के PM ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे फ्री ट्रेड डील फंसती नज़र आ रही है, इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस डील से भारत में कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली थी, ये सभी चीज़ें भी बताएंगे। समझेंगे कि भारत और ब्रिटेन के बीच अभी कितना व्यापार होता है और दोनों देशों के बीच में सबसे ज़्यादा कारोबार किन चीज़ों का होता है, अभी तक दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड को लेकर बात कहां तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा कारोबार के दुनिया से जुड़ी दो और ज़रूरी खबरों पर बात करेंगे, जानेंगे कि पेटीएम कितने हज़ार लोगों को निकालने जा रही है और रेड सी में ऐसा क्या हुआ है कि TV, वॉशिंग मशीन, AC और लैपटॉप वगैरह महंगे हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल अल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनके एक फैसले ने भारत को बुरा फंसा दिया है। सुनक ने समय से पहले देश में आम चुनाव कराए जाने की अचानक से घोषणा कर दी है। उनके इस फैसले के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA टलने की आशंका दिख रही है। ब्रिटेन में आम चुनाव वैसे तो जनवरी 2025 में होने थे, लेकिन सुनक सरकार ने 4 जुलाई को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। इस तरह से देखें तो जिस दिन भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे यानी 4 जून को, उसके ठीक एक महीने बाद ब्रिटेन में इलेक्शन होगा। सबसे पहले जानते हैं कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को शॉर्टकट में FTA कहते हैं और हिंदी में इसे मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है। FTA दो देशों के बीच ऐसा समझौता होता है जिसका पहला मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना होता है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करना होता है। जब दो देश फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी को या तो कम कर देते हैं या तो पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इसके साथ ही आयात निर्यात के नियम कायदों में भी सख्ती में ढील दी जाती है। एक दूसरे के देश में जो छात्र पढ़ाई के लिए आना जाना चाहते हैं उन्हें भी आसानी से वीजा मिल जाता है। नौकरी पेशा लोगों को भी वीजा और जॉब्स वगैरह मिलने में आसानी हो जाती है। 25 अक्टूबर 2022 को जब ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब से इस बात को लेकर माना जा रहा था कि उनके PM बनने से भारत के साथ ब्रिटेन के कारोबारी रिश्तों में भी गर्माहट दिख सकती है। लेकिन अब तक भारत और UK के बीच डील फाइनल नहीं हो सकी है। जैसा कि पता है कि सुनक भारतीय मूल के हैं और उनका ससुराल बेंगलोर में है। उनकी पत्नी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। सुनक भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि FTA के समर्थक रहे हैं। अपने चुनाव अभियान के दौरान भी सुनक ने कहा था, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भारत में पढ़ाई करना आसान हो, हमारी कंपनियों और भारत की कंपनियों के लिए एक साथ काम करना आसान हो जाए। ये दो तरफा संबंध है और इस तरह का बदलाव मैं भारत और ब्रिटेन के रिश्ते में लाना चाहता हूँ। उनके इस बयान से लगा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच जल्द ही मुफ्त व्यापार समझौता हो जाएगा, लेकिन उनकी ताजपोशी को 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील अभी तक परवान नहीं चढ़ सकी है। अब आपको भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं।
मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संभावित व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के पहले चरण के रूप में बढ़ी हुई व्यापार साझेदारी की घोषणा की थी। इसके बाद 13 जनवरी 2022 को दोनों देशों के बीच FTA को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू हुई। उस वक्त लिज ट्रस ब्रिटेन की विदेश मंत्री थीं। भारत और ब्रिटेन ने जुलाई 2023 में FTA के लिए पांचवें दौर की बातचीत की थी और दिवाली तक इस समझौते को पूरा करने की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन ब्रिटेन की गृह मंत्री सुवेला ब्रेवरमैन ने इस डील में अड़ंगा डाल दिया था। ब्रेवरमैन ने कहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते ही ब्रिटेन में भारतीयों की भीड़ बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह डाला था कि कई भारतीय वीजा खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन में डटे रहेंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की वजह से ये करार नहीं हो पाया। हालांकि ऋषि सुनक के कार्यकाल के दौरान दोनों देश आगे बढ़े, लेकिन कुछ मसलों का अभी तक पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया है। भारत और ब्रिटेन FTA पर 13 दौर की वार्ता कर चुके हैं और इसका 14वां दौर जनवरी में शुरू हुआ था। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने एक सालाना भारत ब्रिटेन रणनीतिक वार्ता में FTA को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। इस समझौते में 26 चैप्टर हैं, जिनमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसी चीजें शामिल हैं। भारतीय उद्योग IT और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में अपने कुशल पेशेवरों के लिए ब्रिटेन में जॉब्स के मौकों की मांग कर रहा है। इसके अलावा भारत अपनी कई चीजों के एक्सपोर्ट पर 0% देना चाहता है। दूसरी ओर ब्रिटेन स्कॉच विस्की, इलेक्ट्रिक वाहन, भेड़ के मांस, चॉकलेट और कुछ कन्फेक्शनरी चीजों पर सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती की मांग कर रहा है। ब्रिटेन भारत को बड़ी मात्रा में स्कॉच विस्की बेचने का इच्छुक है और ब्रिटेन चाहता है कि इस पर भारत जो मौजूदा 150% का आयात शुल्क हो उसमें कटौती की जाए। अब जानते हैं कि दोनों देशों के बीच कितना कारोबार हो रहा है। साल 2023 में भारत ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर था। 2022-23 में दोनों देशों की के बीच कुल व्यापार का आंकड़ा बढ़कर करीबन 20.5 अरब डॉलर हो गया। रुपए में कन्वर्ट करें तो आज की तारीख में यह रकम करीबन 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। भारत और ब्रिटेन के बीच 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार जो कि 17.5 अरब डॉलर आज की तारीख में रुपए में 1,45,000 करोड़ रुपए था, जबकि साल 2020-21 में ये रकम मोटामोटी 1,12,000 करोड़ रुपए थी। वहीं 2021-22 में भारत से ब्रिटेन को किया गया निर्यात 10.5 अरब डॉलर रुपए में 87,000 करोड़ रुपए था, जबकि आयात करीबन 58,000 करोड़ रुपए का था। FTA के तहत दोनों देशों के बीच साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों ने भरोसा जताया है कि दोनों देशों के आम चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों में खासा बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो समझौता सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में होने की उम्मीद थी वो चुनाव के चलते कुछ लेट हो सकती है, लेकिन ब्रिटेन में ज्यादातर सर्वेक्षणों में विपक्षी दल लेबर पार्टी आगे दिख रही है। हालांकि लेबर पार्टी ने भी समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन ये ट्रेड डील की समय सीमा को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये डील कब तक फाइनलाइज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में दक्षिण और मध्य एशियाई रक्षा रणनीतिक कूटनीति के वरिष्ठ फेलो राहुल रॉय चौधरी ने कहा कि ऋषि सुनक द्वारा 4 जुलाई को चुनाव की चौंकाने वाली तारीख की घोषणा ने कंजर्वेटिव सरकार द्वारा भारत के साथ लंबे समय से इंतजार वाले FTA के आखिरी रूप दिए जाने वाली संभावना को हाल फिलहाल के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि करीबन 2 महीने पहले ही भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि EFTA के बीच 10 मार्च को यह कारोबारी समझौता हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में समझौते को भारत और EFTA देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से एक ऐतिहासिक पल बताया था। PM ने कहा था कि इस ऐतिहासिक समझौते से भारत के युवाओं के लिए नौकरियां पैदा होंगी। इस समझौते की जानकारी देते हुए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया था कि इस समझौते से आने वाले समय में भारत में इन 4 देशों से 100 अरब डॉलर का निवेश आएगा। भारतीय रुपये में कन्वर्ट करने के बाद ये रकम 8,30,000 करोड़ रुपये के आसपास बैठती है। उन्होंने कहा था ये डील 16 साल की लंबी कवायद के बाद पूरी हो पाई है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जिन 4 देशों के साथ भारत ने डील फाइनल की है उनमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंसस्टाइन शामिल हैं। ये चारों ही देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। इस ट्रेड समझौते के लिए साल 2008 में बातचीत शुरू की गई थी। इस व्यापार समझौता पर हमने खर्चा बानी में विस्तार से बात की है। इस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब व्यापार से जुड़ी एक और खबर की बात करते हैं। रेड सी यानी कि लाल सागर में जारी संकट का असर जल्द ही भारतीयों पर देख सकता है। खबर आई है कि शिपिंग कंटेनर की कमी के चलते विदेशों से सामान मंगाने वाले व्यापारियों की ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ी है। इसके चलते आने वाले दिनों में कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ों के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल ईरान और इसराइल के बीच हो रहे तनाव की वजह से रेड सी में संकट जारी है। इसके चलते वैश्विक व्यापार में बहुत दिक्कत आ रही है। चीन से भी समुद्री माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। इसका असर भारत पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में भारत चीन से कई चीज़ों को खरीदता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कारोबारियों का कहना है कि समुद्री मार्ग से भेजे जाने वाले सामानों की ट्रांसपोर्ट लागत का खर्चा 4 गुना बढ़ गया है। इससे अगले कुछ दिनों में टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, एसी वगैरह, होम अप्लायंसेज के दाम में 2-3% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो है पेटीएम से जुड़ी हुई। संकट से जूझ रही पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस आने वाले दिनों में करीबन 5,000 से 6,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी करने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी कॉस्ट कटिंग के तहत करीबन 400 से 500 करोड़ रुपए बचाने के लिए ये कदम उठा रही है। इसके तहत माना जा रहा है कि पेटीएम को इस वित्त वर्ष में अपने कर्मचारियों की संख्या में करीबन 15-20% की कटौती करनी पड़ सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में कंपनी के पास औसतन 32,798 कर्मचारी काम कर रहे थे। इनमें से 29,503 सक्रिय कर्मचारी थे। कंपनी की प्रति कर्मचारी औसत लागत 7.87 लाख रुपए थी। वित्त वर्ष 2024 में कुल लागत साल दर साल 34% बढ़कर के 3,124 करोड़ रुपए हो गई है और कर्मचारियों की औसत लागत बढ़ के 10.6 लाख रुपए होने का अनुमान है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।